हेलो गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो दिस इज़ अर्जुन यादव एम बी बी एस थर्ड ईयर स्टूडेंट एम्स पटना सो गाइज़ इस वीडियो में हम जो कि uh, दो कॉलेज का कंपेरिज़न कर रहे होंगे uh, पहला कॉलेज है मेरा खुद का एम्स पटना और दूसरा कॉलेज जिसकी हम कंपेरिज़न कर रहे होंगे वो है पी एम सी एच पटना मेडिकल कॉलेज जो कि पटना में है सो so, बिना किसी देरी के चलते हैं शुरू करते है इस वीडियो को अगर हम बात करते हैं कम्पेरिजन की पीएमसीएच और एम्स पटना की तो आपको पता है कि एम्स पटना जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट के अंडर आता है पीएमसीएच जो है वो स्टेट कॉलेजेस के अंडर आता है लाइक like, बिहार का स्टेट मेडिकल कॉलेज के थ्रू जो एडमिशन होता है उसके थ्रू बेस्ट मेडिकल कॉलेज जो है वो पी है बट हाँ पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में अभी इस समय एम्स पटना टॉप पर चल रहा है लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे कि भैया कम्पेरिजन का एक वीडियो बना दो एम्स पटना और पीएमसीएच के बारे में सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोनों कॉलेज जो हैं अपनी जगह पे दोनों सही हैं दोनों ही कॉलेज के अपने अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं मैं बताऊँगा आगे इस वीडियो में देखते रहिए तब तक बात करें एम्स पटना की तो अगर आप एम्स में पढ़ते हो तो आपको एम्स का एक टैग मिल जाएगा कि हाँ ये बंदा या बंदी जो भी है वो एम्स से है एक और फैक्टर है फीस का पी एम सी एच की बात करें तो यहाँ पे फीस जो होती 6, 000, uh, है वो सिक्स थाउजेंड ये फीस है सिक्स थाउजेंड पर सॉरी uh, पर ईयर लगती है और uh, मेज़ का जो चार्जेज होता है वो अलग होता है और एम्स uh, की बात करें एम्स पटना की तो यहाँ पे जो एकेडमिक्स जो फीस होती है uh, वो सिक्स थाउजेंड अप्रॉक्स आई थिंक फाइव एट फाइव सिक्स एग्जैक्ट रुपीज़ लगता है जो कि uh, पूरे पाँच साल के लिए होता है मेस का चार्ज यहाँ पे लगता है जो कि फोर थाउजेंड पर मंथ होता है वो हर कॉलेज में ही लगता है मेस का तो और रूम्स की बात करें फर्स्ट ईयर से ही जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिंगल रूम प्रोवाइड किया जाता है एम्स में और पी की बात करें तो वहाँ पर सिंगल रूम्स नहीं मिलता एक रूम में शायद दो स्टूडेंट्स रहते हैं जो उतना आइडिया नहीं है बट हाँ एक सिंगल रूम तो नहीं मिलता वहाँ पर स्टेबलिशमेंट की बात करें तो एम्स पटना जो है वो अभी नया है 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था और पी जो है वो पुराना कॉलेज है एम्स पटना इज़ अ ऑटोनस इंस्टीट्यूट इट इज़ अ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस और पी जो होता है वो ए यू से एफिलेटेड होता है एके यू क्या होता है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में जो भी स्टेट कॉलेज हैं सारे एफिलेटेड होते हैं ए के यू से एक्सेप्ट आई और एम्स पटना इंफ्रास्ट्रक्चर की तो एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है क्योंकि अभी 2012 में इस्टेब्लिश हुआ है पीएमसीएच की बात करें तो पीएमसीएच ओल्ड इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका थोड़ा सा ओल्ड हो गया है तो आप समझ सकते हैं न्यू कॉलेज और ओल्ड कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़र्क तो होता ही है एम्स पटना जो है वो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पर एमंग स्टूडेंट्स जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो अच्छी खासी होती है क्योंकि हर एक स्टेट से स्टूडेंट्स यहाँ पर बिलोंग करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स में देखने को मिलता है अलग अलग स्टेट से जो स्टूडेंट्स होते हैं उन उनसे मिलने का मौका मिलता है और पी की बात करें तो वो एक स्टेट कॉलेज है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो बिहार से ही हैं क्योंकि तो वहाँ पे आ, जो सीट्स जो होती है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती है तो जिसकी वजह से वहाँ पे उतना एक्सपोजर देखने को नहीं मिलता अब आगे बढ़ते हैं और फैसिलिटीज़ की बात करते हैं कि एम्स में और पीएमसीएच में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो कितनी अच्छी होती हैं क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है तो सबसे पहले बात करते हैं एम्स पटना की तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो अमेजिंग है लाइक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करते हैं पहले तो यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड है बढ़िया आपको खेलने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पर भी लोग खेलते रहते हैं बैडमिंटन कोर्ट है टेबल टेनिस है चेस है मतलब सब कुछ है एक्सेप्ट वन चीज बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ पे नहीं है और नेक्स्ट फैसिलिटी की बात करें तो लाइब्रेरी जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी है और सुबह नौ से लेकर शाम को पाँच बजे तक ओपन रहती है और लाइब्रेरी के साथ साथ यहाँ पे स्टडी रूम भी है जहाँ जो कि 24 फोर आवर्स ओपन रहता है जहाँ पे आप जाके कभी भी सुबह हो दोपहर तो हो रात हो कभी भी जाके आप पढ़ सकते हो वहाँ पे बहुत शांति रहती है फुल्ली एयर कंडीशनड है बहुत लाइब्रेरी एंड स्टडी रूम नेक्स्ट फैसिलिटी की बात करें तो जिम यहाँ पे फुल इक्विप्ड जिम है बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है और अलग अलग टाइम होता है सुबह के टाइम भी ओपन होता है शाम को टाइम भी ओपन होता है और बॉयज़ एंड गर्ल्स का अलग अलग टाइम है काफ़ी अच्छा जिम है आपको मैं दिखा देता हूँ एक वीडियो का और मेस फैसिलिटी की बात करें तो मैंने एक व्लॉग बना रखा है काफ़ी अच्छा व्लॉग है आप उसको देख सकते हैं मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या तो आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं उसको और जो ये मेस है अभी नया मेस है इससे पहले ओल्ड मेस था तो न्यू मेस में कुछ अपग्रेडेशन हुआ है फीस जो है वो थोड़ी सी बड़ी है फोर थाउजेंड पर मंथ लगता है इसमें जो फूड है वो फोर टाइम्स मिलता है जैसे कि सुबह में ब्रेकफास्ट मिलता है लंच मिलता है स्नैक्स वगैरह मिलता है शाम को और रात को डिनर तो ये है मिस का टाइमिंग और अलग अलग मेन्यू कार्ड है मतलब डेली के लिए सो so ये था एम्स पटना का फैसिलिटी अब पी की बात करें तो मुझे पी का उतना आइडिया नहीं है बट हाँ इतना पता है कि यू विल गेट बेटर फैसिलिटीज़ इन एम्स पटना देन पी अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टाइफेंट की जो इंटर्नशिप में स्टाइफेंट प्रोवाइड होती है तो एम्स पटना में स्टाइफेंट काफ़ी अच्छा है लाइक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ है पर मंथ और यहीं हम बात करें पीएमसीएच की तो वहाँ पे अभी स्टूडेंट ने स्ट्राइक भी किया था इससे रिलेटेड वहाँ पे स्टाइपेंट कम है लाइक फिफ्टीन थाउज़ेंड पर मंथ है और स्टूडेंट्स जो होते हैं कितनों का बैच होता है तो एम्स पटना में वन ट्वेंटी फाइव का होता है पीएमसीएच में टू हंड्रेड का होता है ये उतना uh, मैटर नहीं करता और लोकेशन की बात की जाए तो एम्स पटना जो है वो जो पटना सिटी है उससे थोड़ा सा आउटर में लोकेटेड है लाइक टेन किलोमीटर टेन टू फिफ्टीन किलोमीटर अवे है सेंट्रल पटना से जो कि फुलवारी शरीफ में सिचुएटेड है और पी की बात करें तो पी जो है वो सिटी में ही है हाँ लोकेशन का फैक्टर है थोड़ा थो बाहर है और वो एम्स पी सिटी में है एक मेजर फैक्टर ये होता है एम्स का कि यहाँ पे स्टेट स्टेट uh, का जो पीजी कोटा होता है वो ख़त्म हो जाता है अगर आप एम्स ऑप्ट कर लेते हो तो आपको स्टेट पी कोटा में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा जो कि ये स्टेट कॉलेज में अप्लीकेबल होता है उनके लिए रहता ही है सो so, इसको आप एक तरह से डिसएडवांटेज बोल सकते हैं एम्स का एम्स ऑप्ट करने का और पेशेंट लोड की बात करें तो हाँ पीएमसीएच में जो है पेशेंट लोड ओल्ड कॉलेज है तो वहाँ पे पेशेंट लोड काफ़ी अच्छा है और एम्स पटना इज़ आल्सो ग्रोइंग सो so, यहाँ पे भी बहुत मतलब बिहार के हर जगह से पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए तो इट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग रेपिडली इन टर्म ऑफ पेशेंट लोड एंड मेनी मोर सो आई थिंक इतना कंपेरिजन काफ़ी हो गया अगर आपको लगता है कि कोई और कंपेरिजन आप अलग से बता सकते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो अब आते हैं कंक्लूज़न पर कि कौन सा बेटर है एम्स पटना बेटर है या पीएमसीएच बेटर है तो देखो आ, कंक्लूजन की बात करें तो एम्स पटना और पीएमसीएच दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं कुछ लोग को पीएमसीएच पसंद आता है क्योंकि तो पुराना कॉलेज है तो लोग उसको प्रीफर करते हैं और एम्स पटना बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि अभी नया है अभी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है एम्स है तो मैंने uh, इतनी सारी फैसिलिटीज़ बता दी आपकी एम्स की आपको एम्स की तो ये सब देख के लोग uh, अट्रैक्ट होते हैं एम्स की तरफ और वैसे भी एम्स पटना इज़ फार बेटर देन स्टेट कॉलेजेस बट हाँ एक डिसएडवांटेज वही होता है पीजी कोटा का मैंने बता दिया लेकिन फिर भी अगर आपको यूजी लाइफ आपको अच्छी चाहिए तो एम्स पटना विल बी गुड एनी एम्स आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ या तो जो नीट एस्पायरेंट होंगे आपके दोस्त उनको साथ शेयर कर सकते हैं ये वीडियो यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा